न्यूज लीडर्स के नक्षत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज 28 जुलाई गुरुवार है। आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे, जानिए अपना दैनिक राशिफल पंडित राधा माधव शरण जी से। मेष राशि वालों का समय अनुकूल रहेगा, व्यापार में भी अच्छा लाभ रहेगा, भवन निर्माण कार्य शुरू हो सकता है, आर्थिक कमी दूर होगी, छात्रों का समय ठीक है। वृषभ राशि वालों के मित्र भी शत्रु जैसा व्यवहार करेंगे, आर्थिक नुकसान भी संभव है, रोग पैदा हो सकता है, मामा भी विपक्ष का काम करेगा, यात्रा से दूर रहे, छात्रों का समय गड़बड़ है। मिथुन राशि वालों को संतान पक्ष में लाभ रहेगा, व्यापार में भी श्रेष्ठ लाभ रहेगा, आर्थिक उन्नति होगा, नया कामकाज होगा, भाई भी सहायक रहेगा, छात्रों का समय ठीक है। कर्क राशि वालों का जमीन जायदाद संबंधित कार्य होगा, व्यापार में भी सुयोग रहेगी, माता के पक्ष में समय उत्तम है, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, रुका पैसा मिलेगा, छात्रों का समय अत्युत्तम है। सिंह राशि वालों के समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धार्मिक कार्य का आयोजन करेंगे, आर्थिक लाभ भी अच्छा रहेगा, परिवार में मांगलिक कार्य होगा, छात्रों का समय ठीक है। कन्या राशि वालों की आय में तरक्की होगी, यात्रा से भी लाभ के चांस रहेगी, बेबुजुर्ग की सलाह से भी काम सुधरेंगे, रुका पैसा मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार रहेगा, छात्रों का समय अच्छा है। तुला राशि वालों का हर सोचा कार्य बनेगा, व्यापार में भी अच्छा लाभ रहेगा, समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोगों से भी सम्मान मिलेगा, पत्नी से भी लाभ के योग है, छात्रों का समय अत्युत्तम है। वृश्चिक राशि वालों की आय से अधिक खर्च होगा, उधार लेने की नौबत आएगी, व्यर्थ के वाद विवाद से बचे, किसी के बहकावे में आकर अपना नुकसान के लेंगे, छात्रों का समय गड़बड़ है। धनु राशि वालों के व्यापार व्यवसाय में समय अच्छा है, आर्थिक लाभ अच्छा रहेगा, बड़े भाई से भी लाभ के सुयोग है, मित्रों से भी आज फायदा रहेगा, संतान के पक्ष में भी समय अच्छा है, छात्रों का समय ठीक है। मकर राशि वालों का पिता के पक्ष में समय श्रेष्ठ है, व्यापार में भी समय ठीक है, जमीन का लाभ रहेगा, नया कारोबार शुरू होगा, अचानक धन लाभ होगा, छात्रों का समय ठीक है। कुंभ राशि वालों का भाग्य आपके साथ रहेगा, धन का लाभ भी अच्छा रहेगा, यात्रा के चांस रहेगा, जिससे फायदा रहेगा, धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, छात्रों का समय श्रेष्ठ है। मीन राशि वालों को स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए, यात्रा से बचे, वाहन से नुकसान हो सकता है, वाद विवाद से बचे, अपनी वाणी पर संयम रखे, परिवार में अशांति रहेगी, छात्रों का समय खराब है। न्यूज लीडर्स की खबरें सहित अपने क्षेत्र की हर खबर अपने मोबाइल तुरंत पाने के लिए न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।